अभी तक इसने कोई अपना नाम बताया नहीं है, अपनी आइडेंटिफिकेशन बताई नहीं है। तो अभी तक बात सामने आई है, ये जमात अटेंड करके आया है। वहां के सरपंच साहब का फोन आया था कि ऐसे करके एक सस्पेक्ट आया है। खबर लेने डेरा बसी तो दिल्ली तो जमात अटेंड करके पहुंचे एक शख्स नूं पुलिस ने पकड़ के सेहत विभाग के हवाले कर दिता है। उसनूं डकौली होस्पिटल दे विच आइसोलेट कर दिता गया है और सवेरे जा रात नूं उसके सैंपल लैके टैसट लई भेज दिते जाणगे। हैल्थ इंचार्ज ने यह गल कीती है कि सानूं पिंड दे सरपंच साहब दा फोन आया सी कि समकौली दे विच एक नाका लगाया गया सी और एक व्यक्ति जिसने हुण तक नाम नहीं दस्या और लगता है कि वह दिल्ली तो जमात अटेंड करके वापस आया है और ये व्यक्ति संगोली उस जगह ते ही सी जिथों पहला ही तीन व्यक्तियों नू जिहड़े कि दिल्ली तो जमात अटेंड करके वापस आए सी उन्हां नू पकड़िया होया सी और तिन्हां व्यक्तियों नू पकड़ के उन्हां दी रिपोर्ट तैयार की गई है और जिहदे विच्चों एक केस जिहड़ा अजे तक नैगेटिव पाया गया है, दो दी रिपोर्ट आउणी बाकी है। डेराबसी हल्के विच दिल्ली तो जमात अटेंड करके ये शक्की व्यक्ति जिहड़े हुण दोबारा पकड़े गए ने और पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम वालों इन्हां नूं आइसोलेट विच भेज दिता गया है। इस संबंध विच की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं। अभी तक इसने कोई अपना नाम बताया नहीं है, अपनी आइडेंटिफिकेशन बताई नहीं है, बट जो अभी तक बात सामने आई है ये जमात अटेंड करके आया है। इसने ये नहीं बताया कि ये कब वापिस आया है और कहाँ से आया है, कहाँ घूम रहा है, लेकिन ये पक्का है कि ये जमात अटेंड करके आया है। तो इसको अभी हम आइसोलेशन में रखने आए हैं, सुबह इसके सैंपल वगैरह लिए जाएंगे। कौन से गांव से आया जी? ये हमने संगोली से इसको रिसीव किया है। संगोली में जो नाका लगा हुआ था वहां के सरपंच साहब का फोन आया था कि ऐसे करके एक सस्पेक्ट आया है, तो हमने कार्रवाई करते हुए तो हम इधर आए हैं संगोली। तो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट में बात हुई तो उन्होंने बोला कि इसको यहाँ पे डकौली सेंटर में लेकर जाया जाए, तो हम उसको यहाँ लेकर आए। तो अभी देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी तो मेरे हिसाब से अभी सैंपल लेंगे डॉक्टर या फिर सुबह सैंपल लेंगे, लेकिन जो हमारी जो प्रायर कार्रवाई है अभी इसको आइसोलेट हम करने आए हैं। और अभी जो संगोली पहले उठाए हैं उसकी क्या रिपोर्ट आई है? उनकी अभी एक की रिपोर्ट आ गई है जो कि नेगेटिव आई है, दो की रिपोर्ट अभी वेटेड है, वो आएगी जैसी आप सबको बता दिया जाएगा। लेकिन इसकी रिपोर्ट ये नहीं मैं कह सकता कि इसका सैंपल अभी लिया जाएगा या सुबह लिया जाएगा, तो जैसे लिया जाएगा वो सबसे आप सभी लोगों के सामने आ जाएगी ये बात, लेकिन अभी देखते हैं। डेरा बसी तो सुरेंद्रपुरी दी रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले है 2-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2-3 महीने ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है, फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया है, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जिहड़े गंजपन पैना शुरू हो गया सी वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता है इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट चुन बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले, ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।